हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो आज का टॉपिक है वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चों को वोवेल्स और कॉन्सोनेंट की पहचान कैसे कराई जाए। तो यूकेजी में जब बच्चे जाते हैं तो उन्हें ए साउंड, ई साउंड, आई ओ यू साउंड ये सब पढ़ाना होता है। तो ए साउंड जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनका ये सवाल होता है कि मम्मा, ए साउंड के बाद बी साउंड क्यों नहीं आया, सी साउंड क्यों नहीं आया। ये सब होते हैं ऐसे सवाल उनके, क्योंकि मेरे बच्चे ने भी ऐसे ही पूछा था क्वेश्चन मुझसे। तो फिर मुझे बताना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, एक्चुअली पेरेंट्स को यहाँ बताना ज़रूरी हो जाता है वोवेल्स के बारे में और कॉन्सोनेंट के बारे में। तो जब मेरे बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था कि मामा बी साउंड क्यों नहीं आता, तो मैंने उससे यही कहा था कि बी जो है वो कॉन्सोनेंट होता है और ए जो है वो वोवेल्स होते हैं। वोवेल्स 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं 21। तो ये सब मुझे बताना उसे पड़ा था। तो जैसे ए के बाद ई साउंड ही पढ़ना होता है, फिर आई साउंड पढ़ना रहता है, ए ई आई, फिर ओ साउंड, फिर यू साउंड पढ़ना रहता है। बी कॉन्सोनेंट हो, बी साउंड नहीं पढ़ना रहता। तो फिर मैंने उससे बताया, कैसे बताया देखिए। जैसे मैंने उसे बताया कि वोवेल्स होते हैं 5, ए ई आई, फिर ओ और यू। तो मैं बच्चों को इस तरह से बताना होगा, पहले ए से लेकर जेड तक लिख करके फिर उन्हें बताना होगा कि वोवेल्स 5 होते हैं, देखो ए ई आई सॉरी ओ यू। तो इसको छोड़ करके बाकी जितने बचे वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो जैसे बी सी डी ए, फिर एफ जी एच, जे के एल एम एन, पी क्यू आर एस टी और ये सारे जो हो गए वो कॉन्सोनेंट में आ गए। तो साउंड में जब पढ़ना रहता है तो ए के बाद ई साउंड, फिर आई साउंड, फिर ओ साउंड, फिर यू साउंड पढ़ना रहता है। तो इस तरह से बच्चों को हमें बताना होता है, इस तरह से समझाना जरूरी हो जाता है। और मैंने अपने बेटे को इसी तरह से समझाया कि बेटा ये वोवेल्स होते हैं जो कि ए साउंड, ई साउंड, आई साउंड जिनसे पढ़ा जाता है, वोवेल्स होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट होते हैं बाकी। ये तो वोवेल्स हो गए, जैसे वोवेल्स होते हैं 5, ये हो गए। और 5 को छोड़ करके जितने बचे तो 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 11, फिर 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो कॉन्सोनेंट हो गए टी एस, तो कॉन्सोनेंट्स हो गए 21। तो ये दोनों मिला करके अल्फाबेट टोटल हो गया 26, ये और ये मिला करके। तो इस तरह से मैं बच्चों को समझाना होगा वोवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है, जिन्हें उन्हें वर्ड आगे जाके प्रॉब्लम ना हो कि ए साउंड क्या होता है, ई साउंड क्या होता है। तो इस तरह से मैं बच्चों को बताना होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो बहुत छोटा सा था लेकिन काम का था। तो फिर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।